गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय जी, नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनावो साहेब जी, परम कृपाला जी, परम श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा बार बार जगदीशा जा। मैं अमृत ज्ञान है मानक भगत, श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदत बंदों कर गुरु ते प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह है, बिघ्न विनाशन सोए। जय डिठे मन तीरिए, किल विख वंजन दूरे, क्यों विसरे माओ मैं जो रहया भरपूरे। सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया भरपूरे। फिर चार ओर मैं लाहौर पुर गए पुना, कहो बहु लोकन मैं दिल हूं ते आए हैं। चंदू के मानिंद हम खोजत बिलंद फिरे, प्राप्त न पयो बहु थान मैं सुनाए हैं। परम सम्मान आवर साहिब कमाल बारगहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे पावन घर विच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु जी ने नजरे इनायत करदिया सचखंड तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब दे प्रतख दीदार बख्श के निवाजिया है। सतगुरु जी दी पावन बाणी दा गायन रहराज साहिब जी के पाठ आरती आरता अरदासा बेनतियां जोदनिया, फिर साहेब जी दे हुक्मनामे आपने चौड़ी च पवाए। आड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान सवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहो मौको बेडी देहो बताई। री बाई बेडी दे न जाई, देख बेडी रहे हो समा। आपने हुक्मनामे सरवण किते ने, कुछ समा होर साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे अमृत बचना द्वारा कथड़ियां द्वारा मन गुरु चरणा दा दीदार कर सके।
इसलिए सतगुरु जी दे चरणा नू गल वकड़ी करदे आ, चरण चुमदे आ, गुरु की मुबारक फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदे आ इतना आपने सरवण किया कि ब्राह्मण ते लागी दिल्ली तो लैके लाहौर तक चंदू दी बेटी सदा कौर दा रिश्ता लभ दे रहे, पर उन्हें वड्डे वड्डे शहरां विच देखिया जिहो जिहा चंदू चाहुंदा सी उहो जिहा रिश्ता ना मिले। भी उच्ची कुल भी होवे, खूबसूरत दामाद मिले ते खानदान ते वड्डा तन दा अंबार घर विच हो, वो बेचारे फिरदे फिरदे पेशावर आदक तो होके लाहौर वापस आ ते आपस विच गल्लां कर रहे सन भी कोई उस तरह का रिश्ता मिलिया ही नहीं जो दीवान चंदू दे लायक हो। कुछ गुरसिखा ने सतगुरु गुरु अर्जन देव जी की महिमा की, आख्या जिथे सुंदरता भी महान सागरां वांग है, बुलंदी पर्वतां तो भी बुलंद है, तेज सूरज नालों भी ज़्यादा है, निम्रता ते धीरज धरती नालों भी ज़्यादा है, और 33 करोड़ देवती देवतियां नालों भी पूजा सन्मान ज़्यादा, जिन्हां दे घर विच महाबली या तो महाबली ज़्यादा बली गुरु हरगोबिंद साहब महाराज साहिबजादे ने, ते जेड़े किसे नगर विच नहीं रहिंदे बल्कि उस नगर विच रहिंदे ने जेड़ा उन्होंने आप ही वसाया, उन्हें अपना नगर आप वसाया, तरन तारन आदक नगर वसाया, बड़ी महिमा है। जे उन्हां दे नाल रिश्ता जुड़ जाए तो फिर कोई वडभागा ही होवे। थक गए हैं तो लाहौर मुड़ा है, ये विचार सरवण करिए पेशतर। एक दफा सारे आखो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, एक बारी फिर आखो जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबित फिर चार ओर मैं लाहौर पुर गए पुन, चारों पासे फिरे ने ते फिर के थक थक के मुड़ लाहौर आए हन। कहयो बहु लोकन मैं दिल्ली हूं ते आए हैं, आखन लगे सारे लोगां नु कहया भई दिल्ली भी असी फिर के आए। जे गुरु अर्जन देव जी दे घर प्रति प्रभावित होए ने तो इहदा मतलब है कि ना दिल्ली विच कोई उन्ना अमीर सी, ना लाहौर, ना पेशावर, ते ना होर कोई राजा महाराजा जितने अमीर गुरु अर्जन देव महाराज सन, जितनियां बरकतां उन्हां दे कदमां विच। ये बरकतां पारब्रह्म परमेश्वर दे नाम दियां ने साध संगत। जे कोई मनुख गुरबत विच गुरबत नाल कुश्ती होंदी रोजाना, तंग दस्ती नाल घोल पैंदा है, कम कार विच रुकावट आ जांदी, रिश्ता कोई बनदा नहीं, बने हुए संबंध विगड़ जांदे ने, हर जगह मूँह ते कालक ही लगदी है, ते फिर चाहिदा ऐसा मनुख नाम दी शरण विच आ जाए, नाम जपण लग पे, क्योंकि उजागरता नाम नाल मिलती है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के फाटे कागर। जे किसी का सवाल होवे ना भई नाम जप के वाहेगुरु करके की हो जाएगा, तो उसका जवाब यह है करके देखो की नहीं होवेगा वाहेगुरु मंत्र जाप करके।
सब कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होवेगा जो नहीं होवेगा। कहो नानक जिस ठाकुर पाया, सब कुछ तिसके ग्रहों में आया। लोड़ है नाम जपण दी, जपिए किवें, जिथे है गए उत्थे ही शुरू कर लो, क्योंकि सफर उत्थों ही शुरू होंदा है जिथे बंदा खड़ा हो। बंदा खड़ा किते होर होवे ते आखे सफर कितों होर शुरू करना है तो पॉसीबल नहीं। जिथे खड़ा है उत्थों ही सफर शुरू करे, जिथे हालत जो भी है उत्थे ही जपना शुरू कर दे। बे अमृत वेले उठाया गया तो वाह वाह महान बरकत है, नहीं उठाया गया तो फिर उस तरह ही शुरू कर लो। चलते फिरते बहते उठते भोजन करते, जिस हालत भी है गए उस ही हालत में शुरू कर दो। तो नाम ऐसा है, हालत नहीं देखता, नाम ये देखता है कि इन्हें जपया है कि नहीं जपया। हर हालत विच, हर अवस्था विच नाम अपना पूरा ही फल देंदा है, अद्धा फल नहीं देंदा। सूरज दे सामने रोशनी करदियां बदलियां आ सकदियां, बदल आ सकदे ने, पर नाम दी रोशनी बरकतां मिलदियां अगे कोई बदली आ नहीं सकती, बल्कि सारे बिघन आपे ही नाश हो जाते। ये महाराज ने बोल खुद ही आखे ने, बिघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख कराया। इसलिए जिस हालत विच भी हैगा कोई नाम जपन लग जी, अरे ओला नाम का अवर जे करन करावनो, तिन में पौ है जाम का। इसलिए होर पुठियां कम्मां विच ना पाओ, नाम नाल अपना नाता जोड़ लवो ते सब कुछ बन जा। श्री गुरु अर्जन देव जी दे घर विच वड्याई नाम दी है, वैसे ते सारे ब्रह्मंड विच ही नाम दी वड्याई। इस पर पंच मह साचे नाम की वड्याई, मत को तरो गुमाना। इसलिए महाराज जी दे घर दियां वड्याइयां जो सिखां ने प्रगट कीतियां ने, वो सारियां नाम दियां वड्याइयां हन। आख्या असी दिल्ली तो फिर आए हैं, कोई चज दा रिश्ता नहीं मिलिया, ते बड़ी खोज कीती है। चंदू के मानेंद हम खोजत बिलंद फिरे, बहुत दूर दूर तक खोज कीती है भाई चंदू वर्गा अमीर लभ जाए, उच्चे खानदान दा लभ जावे, पर प्राप्त न पायो। बहु थान मैं सुनाए है, बड़े थावां ते गए हां देखे हां, ओ जिहा रिश्ता कोई मिलिया ही नहीं है। उते कुछ सिख तिनो गुरु सिफत की ना। एक बारी आखो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, एक राज समझण दी लोड़ है भाई, गुरु अपनी अखां नाल नहीं देखदा, गुरु सिख दी अखां नाल देखदा। गुरु अपनी जबान नाल नहीं बोलदा, गुरु सिख दी जबान नाल बोलदा। गुरु सिख दे हिरदे विच वसदा है। प्रभु जी बसहें साध की रसना, सिख दी जबान ते वसद। जो सिख महाराज जी दी उपमा कर रहा है, ये ना समझे भाई मैं कर रहा हाँ, बल्कि असलियत यह है गुरु अपनी वड्याई अपने सिखां कोलो आप ही कराउंदा है, ते फिर आप ही उन्हां दियां झोलियां ये कह के भर देंदा है भाई मेरी वड्याई कीती, कराउंदा गुरु आप ही। इस तरह सेवा भी गुरु सिखां कोलों आप करा, मत कोई सोचे भाई मैं सेवा कर लें, मैं कर लिया मैं कर लिया। ये सतगुरु जी की वड्याई है, महानता है, अपनी सेवा आप कराउंदे ने ते फिर वड्याई सिख नूं देंदे ने भाई ये सेवा फलाने सिख ने कीती। ये गुरु की वड्डी वड्याई महानता है। जिवें माँ है ना, आप बच्चे दे केस वाहुंदी, आप कपड़े पाउंदी, आप सोहना बनाउंदी है,
ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਬਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਈ ਆਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜੀਆ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਧਰਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ? ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਆਨ ਗਨ ਨਿਤ ਸੰਗਤਿ ਚੜਾਏ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਧਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਣਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕੋੜਿਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਸਤਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਮਹਾਨ ਜੀਨੈ ਮਾਨਤ ਜਹਾਨ ਬੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਥਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਵਿਸਾਲ ਜਸ ਸਭ ਤੇ ਸੁਹਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਜਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਸ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਾਵਣੇ ਉਹ ਆਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਹਾਵਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਧਨ ਆਰ ਬੰਸ ਤੋਂ ਬਿਦਤ ਜਿਮ ਕਹਿਓ ਤਿਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਗਾਥ ਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਨੇ, ਨਾਖੂਨ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਆਭਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਿਨ ਅੰਗ ਮੈਂ ਅਨੰਗ ਕੋ ਸਰੂਪ ਮਾਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚਿੰਨ, ਰਾਜ ਚਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਚਿੰਨ ਅੰਗ ਮੈਂ ਅਨੰਗ ਕੋ ਸਰੂਪ ਵਹਿਓ। ਕਾਮ ਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਏ, ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਐ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਬਾਹੂ ਹੈ ਪ੍ਰਲੰਬ ਮੁਖ ਰੂਪ ਨਿਸਨਾਥ ਕੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹੂ ਹੈ ਪ੍ਰਲੰਬ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਝੂਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਸ਼ਨੀਏ। ਬਾਹੂ ਹੈ ਪ੍ਰਲੰਬ ਮੁਖ ਰੂਪ ਨਿਸਨਾਥ ਕੋ। ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਚੰਦ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਦਾਗ ਵਾਲਾ, ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ, ਸਰਾਪਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ ਮੁਖੜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਗ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ। ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੰਨ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਬਿਲੋਕਤ ਨਿਹਾਲ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬੇਦਾਰ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰਮਈ ਨੇਤਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੀ ਵਾਵੇ ਪਗ ਮਾਥ ਕੋ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਰਾਜੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੁਤਾ ਕੇ ਸਹਿਤ ਚੰਦੂ ਭਾਗ ਜੇ ਮਹਤ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆਤਮੱਜਿਆ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇਗਾ। ਬਨੈ ਸਨ ਬੰਦ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ,
साध संगत एक खुशी का नुकता मैं भी थोड़े नाल सांझा कर लवां। भाई साहब कहंदे ने जे वड्डे भाग होण तां गुरु नाल रिश्ता जुड़े। पता नहीं थोड़े किन्ने वड्डे भाग ने जिहड़ा थोड़ा रिश्ता गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल बनिया होया। महाराज ने थानू अपनी बाणी दित्ती, बाणा दित्ता, अपनी संगत विच बैठण दा बल बख्शिश कीता, कोई छोटी गल थोड़ी है। महाराज ने कह भी दिता, कहंदे ने सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। महाराज नूं पुछिए भी सब तो वड्डे भाग इंद्र दे ने कि चंद्र दे ने कि किहदे ने, ते महाराज मुस्कुराउंदे होए कहंदे ने सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के जे गुरचरणी सिख पड़त्या। उन्हां गुरसिखां दे भाई वड्डे भाग ने जिहड़े गुरु की शरण पै जांदे, गुरु के चरणों ते सिर रखदे। एवें नहीं कहा जांदा वी तुसीं वडभागी हो, ये सच हैगा है। कबित सोना दी जवार और हरख अदक तर। सिख कहण लगे जे चंदू दे वड्डे भाग होए, ओदी आत्मज्या दे वड्डे भाग होए, तां गुरु अर्जन देव जी नाल रिश्ता जुड़ना। एवें नहीं जुड़ना, एवें नहीं खेड बननी। हां जी, गुरु बार गुरु पायो बिचरत गाए हार। सुन दे जवार और हरख अधिक तार। बड़ा पंडित खुश होया के रूरो बर गुरु पायो बिचरत गए हार। असी थक गए भटक भटक के, ते हुण चंगा होया सानू ये रिश्ता मिल गया। हाले देखिया नहीं, जाके सुनिया ही, पता चलिया भी इस तरह का रिश्ता है। आखण लगे लै हार गए थक गए फिर फिर के, किन्या शहरां नगरां विच थक थक आए हैं, ते हुण सुभाग सदका इहो जे रिश्ते दी दस पई है। रूपवंती कन्या हुती बालक सुनियो सो तैसो। जिस तरह सुंदर रूपवती कन्या है उस तरह दा ही अगों वार बालक बारे पता चलिया है। तेरे ना बनत अब गमन तिन के द्वार। आखण लगे देर ना बनत अब गमन तिन के द्वार। ये लंबे गज दा थोड़ा जहा कविता हैगा है। हुण देर नहीं करनी चाहीदी, उन्हां दे घर सानू पहुंचना चाहीदा। शामा तक पहुंच जाइए, सवेर तक पहुंच जाइए, सानू पहुंचना चाहीदा है। जान पे अरूड कर आनंद अरूड कर। और इस तरह दे नाल बड़े आनंद नाल भर के सवारी ते बैठ के ए महाराज जी दे दर आए। इहदा मतलब ये है भई जल्दी चलना चाहिए। जे सतगुरु जी नाल आत्मा दा रिश्ता जोड़ना है फिर देर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भी अजे बड़ा टाइम पिया, बुढ़ापे च अमृत छक लवेंगे, अजे बड़ा टाइम पिया, हाले बाद च वेख्या जाएगा। नहीं, देर ना करो, उस वेले ही चल पो। देर करनी तो पाप होंदा। न बिलंब धर्मं, धर्म करदिया होया देर ना कर, ते जे देर करदा ते देर करना पाप करन बराबर। न विलंब धर्मं विलंब पापं, पाप है देर करना। क्यों देर करनी, जिवें बाकी काम झटपट करी दे ने, कितों चैक मिल जाए अपने नाम का ते फिर बंदा कहिंदा वी महीने बाद कैश करा लवां। बंदा कहिंदा हुण घर बाहरों चैक मिलिया ते घर रोटी खाण जाणा, पर चलो बाद च ही जावांगे, पहले जांदे होए ड्रॉप कर जाइए बैंक विच। अगले का की पता कल नू चैक ब्लॉक करा दे, इसलिए छेती छेती कढ़ा लो। इस तरह जे देर करांगे तो हो सकता है मौका ही चला जा। जीवन का की पता है, कहा विशासा इस भांडे का, इतनक लग ठनका। इसलिए देर करना पाप करना एक बराबर है। पंथ मैं प्याने बात चेतु मैं विचार चार। रस्ते विच चलदे जा रहे ने ते मन विच विचारां भी करदे जा रहे हन। रामदास पूरमी मैं प्रवेश पाए आन कर। श्री गुरु रामदास महाराज जी दी नगरी,
श्री अमृतसर साहिब, इस वर्गा कोई थां नहीं होना, अमृत वर्गा ना नहीं होना। मैं अर्ज करना चाहता, अमृत सर, ना इस वर्गा कोई थां, ना इस वर्गा कोई ना, ते ना गुरु दी छां वर्गी कोई छां। होर कितों लभांगे सब वसदी सघन अपार अनूप, रामदासपुर हरे हां नानक कसमल जाए नाया रामदास सर। भावें सिख पटना साहब होवे, भावें हजूर साहब होवे, भावें किधरे भी होवे, पर अरदास वेच शामिल होंदा है श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इसनान। ना उस वर्गा कोई ना, ना उस वर्गा कोई था। बद्धो पुरख विधात है, उस वर्गा कोई था नहीं होना, उस वर्गा कोई ना नहीं होना। आए ने ते देख दे ने ममटियां लाहौर दरवाजा देखिया, हैरान रह गए हैं, ये शहर आप वसाया है, आप मालक ने। एक एक बाजार देखते ने, गुरु बाजार चो लंघदियां ते होर भी होश उठते पे, हैरान कुन अवस्था च रोम रोम पहुंच जाता है। सुदासर हेर कै प्रसन्नता विशेष धार। इस तरह दे नाल अमृतसर सरोवर देखिया, दर्शन किते, गुरु का बाजार देखिया, घर बार देखे, संगतां दी रौनक देखी, बड़े आनंदित होए हन। सवैया आदर श्री हर मंदर के। और इस तरह दे नाल श्री हर मंदर साहिब जी दे अंदर गुर सुंदर रूप विराजत है, ते तन तन गुरु अर्जन देव महाराज विराजमान, संगतां प्रेमी चौर चुला रहे, सहन शाही बरस रही है, दर्श रही है, संगत आवत है एक जात, कुछ संगतां आ रही हैं ने, कुछ बख्शिशां लै लै के जा रही हैं। आमदो रफ्त बड़ी, बहुत संगतां आ रही हैं ने, बहुत संगतां झोलियां भर भर के महाराज कोलों असीसां लै लै के जा रही है। निहारत ही अग भाजत है, ऐसी शोभा नूं देख के, वड्याई नूं देख के, गुरु अर्जन देव साहिब जी दे चरणां नूं देख के, देखदियां सारी पाप ते मनो भज जांदे, दुख तां मनो भज जांदे ने। गावत रागी रबाबी कने, और बहुत सारे रबाबी राग गा रहे, राग विच बाणी गा रहे। कला राग परवान नहीं, कला राग ते खाली भांडा है, भांडा जरूर है पर खाली है। ते मैं अर्ज करां, भांडे दा कसूर नहीं होंदा। जे उस भांडे विच कोई जहर मिलिया पदार्थ खावे ते आखे भांडा माड़ा है, भांडे का कसूर है, भांडा भन दो, भांडे का कसूर नहीं, खाण वाले तेरा कसूर। ते भांडे विच अमृत पा लईए ते वो अमृत का बाटा हो गया। बिल्कुल इसे तरह जे राग विच बाणी गाईए फिर अमृत का बाटा हो गया, ते जे संगीत विच वासना दे गीत गाईए जिवें लोकी गाउंदे फिरदे, नचते टपते नंगेज प्रगट करते और ऐसिया गल्लां करते जो इखलाक तो गिरिया हुई हैं, आ फलाना शो चल रहा जी, आ फलाना शो चल रहा, इखलाक तो गिरिया हुई गल नीवियां गल्लां, और इस तरह दिया गल्लां फिर राग गाओगे तो फिर वो भांडा जहर भर के खाण वाली गल हो गई। है तो राग है तो संगीत जिन्हों आत्मा की खुराक कहा जाता है, पर आत्मा की खुराक ता ही है जे बाणी गाई जाए, तो जे वासना गाई जाए फिर तो आत्मा की खुराक कहती है, फिर तो आत्मा नूं भुखा मारन वाला काम है, फिर तो आत्मा नूं ही मारन वाला काम हो गया। पर इत्थे जो कीर्तनी है रबाबी आके राग गा रहे ने, राग गाउण तो मुराद निरा राग नहीं गा रहे,
सतगुरु जी दी बाणी गा रहे हन। फिर आके सुबादत बाजत है और इस तरह दे नाल वाजे वज रहे ने, तबला आदक वज रहा है। होत अनेकन की अरदास, अनेकां गुरसिखां दीआं अरदासां हो रही हैं। मेवड़े अरदासां कर रहे, महाराज एनू पुत्र चाहिए, एनू धन चाहिए, एनू ए बरकत चाहिए। मैनू भी कल एक सज्जन का यूपी तो फोन आया, आखन लगा बहुत बीमार सी, टीवी की बीमारी नहीं सी ठीक होंदी। ते जदन दी पटना साहिब अमृत वेले अरदास होई है, हुण मैं अद्धा ठीक हो गया। ते मैं कह मैं सारी संगत च सुना देवांगा, सारी संगत अरदास कर देवेगी ते अद्धा ठीक नहीं होवेगा, सारा ही ठीक हो जावे। ते जे नाम नाल जुड़िया रहेगा फिर कदी बीमार ही नहीं होवे। कहते ना समझना एवें ही है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे प्रतख वरतदे, आप विच बैठे हुए महाराज जी दी प्रतख कला प्रतख तौर ते वरत रही है। झोली फैला के देखो गुरु किवें झोलियां भर देंदा है। संगतां दीआं अरदासां होंदियां हन, महाराज सुन रहे हन। मनोरथ सेवक साजत है, सारे मनोरथ सेवकां दे पूरे हो रहे हन। सवैया देख प्रताप विशाल गुरु, ए जड़े लागी आए ने, दिजवर आए ने नाता करन, इन्हां ने जद महाराज जी दा प्रताप देखिया तो विपर आनंद लहो और भारी। ए ब्राह्मण जेड़ा रिश्ता करन आया सी बड़ा आनंदित होया, आख्या एहो जिहा रिश्ता तिना लोकां च कोई नहीं, इस धरती ते दा की होना तिना लोकां च कोई नहीं। सैन साहां को लोक स्वार्थी जांदे ने, पर इत्थे सारियां बरकतां तां मिलदियां ने पर परमार्थी आ रहे। सैन साहां दी वड्याई चापलूस करदे ने, पर इत्थे गुरु दी वड्याई लोकी अंदरों कर रहे, अंदरों सजदा कर रहे ने। इसलिए इस धरती ते तां की लभना है, तिन्ना लोकां विच ना गुरु अर्जन देव दे घर वर्गा घर ते ना गुरु हरगोबिंद साहिब जी वर्गा वारी लभ सकदा। ए घर तां पार ब्रह्म परमेश्वर दा घर है। चंदू मनिंद है कदों बिलंद है, चंदू दे बराबर तां आख्या नहीं जा सकदा भी उहदे बराबर है। ए ते उस तो अनंत गुणा बुलंद है, वड्डा है, कोई इसका मुकाबला नहीं है। जब चंदू नू दसांगे ओ ता खुशी नाल नचण ही लग पवेगा। मानत बंधन कै नर नारी, बड़े माण नाल स्त्री पुरख सारे आउंदे हन, मातावां आउंदियां ने, बच्चियां आउंदियां ने, मेरा गुरु पिता, मेरा गुरु पिता, मेरा गुरु पिता कह ते पिता वांगू महाराज सिर ते हाथ भी रखते। मर्द आउंदे ने मेरा पिता, मेरा गुरु पिता, महाराज बालक दी तरह पाल दे। असी रोज तो सुनते हैं तुम मात पिता, हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कने, कोई न जाने किन्ने क सुख ने। महाराज कहंदे ने कोई अंत नहीं जान सकदा, कोई पारावार नहीं पा सकदा किन्ने क सुख ने। तुमरी कृपा में सुख कनेरे, महाराज जी दे बोल। इसनू देख के नाले दरबार साहब कीर्तन सुन के नाले गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करके ते ए विस्मादित हो ही जा रहे हन। श्री हर गोबिंद इतने मैं, इन्ने नू धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, मेरियां पेरियां दे दाते, बाजां वाले, कलगियां वाले, सैन साहे दो आलम, अकाल पुरखी सत्ता दा साक्षात प्रतीक श्री अकाल तख्त साहब जगत दी झोली च पाउण वाले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, जिन्हां दी अवस्था कोई 9 साल दी है, ओ आए हन। तै आए गए दुत दी रगतारी, और इस तरह दे नाल ओ आ गए हन ते इंज लगदा जिवें प्रकाश आ गया, जिवें चानण आ गया, सब पासे
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇਖਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸੇਖ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਅੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਚਕੋਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਖ ਖਰੇ ਹੋਏ ਆਦਰਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਆਦਰ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਵਿਤ ਕੋਕਨਾ ਦੇ ਪਦ ਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਤ ਛਬੀਲੇ ਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਸੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਮਲ, ਤੇ ਕਮਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਜਲ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਨੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਦ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁੰਮਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਮਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਮਤ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਨ ਕੋਮਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਨ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਹੀਰਨ ਕੀ ਪੰਗਤ ਜਿਉ ਨਖ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਖੂਨ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੇ, ਬੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਿਕਨ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਜੁਗ ਜੰਗ ਨਿਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਗੁਲਫ ਸੁਜਾਨੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਠਰ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗੰਢਾਂ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਾਰਾ ਦੋਹਰਾ ਜੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਿਖਾਏ ਕਾਨ। ਤ੍ਰਿਵਲੀ ਉਦਾਰ ਪਰ ਨਾਭ ਕਾ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਐਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਇਤ ਸੋ ਛਾਤੀ ਦਵੈ ਉਤੰਗ ਹੈ ਸਿਕਾਂ ਦੀ ਕਰ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਮਰ 7-8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਪੂਰੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ ਹੈ। ਗਾਢ ਪੁਜ ਦੰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲ ਵੰਡ ਬੜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਜ ਦੰਡ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਹਨ। ਕੁੰਜਰ ਕੀ ਸੁੰਡ ਜਿਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਖਿਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡੌਲੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਵਿਤ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ,
श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नेत्रां दी दसन दी और इस तरह चेहरे ते पए होए कुंडलां दी केसां दे कुंडलां दी जो कन्नां दे कोलों लटक रहे जिस बारे भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे दीनो दुनिया दर कमंदे आ परी रुख सारे मां हर दो आलम कीमते यक तार मुवे यार। उस तरह दे महाराज जी दे कुंडलां दी खूबसूरती वो सारी हुण कल आप प्यार सहत विचार चों दीदार प्राप्त करोगे। हुण इस वेले इन्ने ही बचन प्रवान करना बड़ी एकाग्रता नाल आपने सरवण कीता है। आओ सारे दो तीन मिनट मिल के जगत जलंदे दे भले वास्ते महाराज नूं बेनतियां करिए। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वार है उबरे तिते लेहो वार। ते मिल के सारे महामंत्र गुरमंत्र दे जाप करिए। एक पासे दास एक पासे आप सारे जितने घरां च भी बैठे सुन रहे हो गूंजा पा दे ब्रह्मंड विच नाम दियां तरंगां सा जावन। वाहे गुरु 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।